वुड लगा हुआ है, और इसमें एनपीएन एनपीएन भी ट्रांजिस्टर है, इसमें भी एनपीएन पीएन भी ट्रांजिस्टर, लेकिन इसमें एक फॉल्ट है कि ये पूरी तरीके से जल गया है, और क्यों जला है, और एक ए ड्रायल वुड भी डाल के देखा था स्टूडेंटों ने तो ये भी जल गया है। अगर ऐसा फॉल्ट मिलता है कि ड्रायल वुड बार बार जलता है तो हमको जानना है ये कहाँ से फॉल्ट बनता है और कहाँ से नहीं बनता है। देखिए मैं सप्लाई पर टेस्ट करता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है क्या नहीं, तो मैं स्टूडेंटों को बताता हूँ बारीक बारीक से। देखना मल्टीमीटर करने कहाँ पे, यहाँ पे सर कर लोगे ना? ओके अब यस सर, ठीक है बोलना सर। वो तो बताइएगा सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, चेक सप्लाई करेंगे ना? यस सर। मेन सप्लाई, अब मेन सप्लाई कहाँ पे होती है? कलेक्टर में। आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पर मिलेगा पॉजिटिव सप्लाई। तो देखता हूँ जो अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें कलेक्टर में क्या मिलता है। देखिएगा 70 वोल्ट मल्टीमीटर मेजर कीजिएगा, आराम 70 क्लियर है। लेकिन इसके बाद अपन देखेंगे एमीटर पिन में, एमीटर पिन में कोई सप्लाई नहीं आती है, ठीक है। और बेस पिन में देखता हूँ, बेस पिन में अपना करीब दिखा रहा 67, ठीक है 70 वोल्टेज बेस पिन में 70 वोल्ट बता रहा, ठीक है। और इसके बाद अपन ने यहाँ देखा 70 वोल्टेज है, ठीक है, क्योंकि डायलोड मिस्टेक है अपना, ठीक है। अब इसके बाद अपन इस तरफ देखेंगे कलेक्टर में जो अपना पीएनपी ट्रांजिस्टर कितना बनता है नेगेटिव सप्लाई, तो नेगेटिव में देखता हूँ इसमें भी वही सप्लाई आनी चाहिए 70 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब इसके बाद मैं देखूंगा इसमें बेस पिन में क्या आता है, बेस पिन में 52 वोल्टेज नेगेटिव, ठीक है। और एमीटर में देखता हूँ क्या आता है, इसमें भी आता है नेगेटिव 70, ठीक है। तो एक काम करूँगा, अगर ड्रायल वोल्ट किसी भी एम्पलीफायर का बार बार उड़ता है तो अपन को जानना क्यों उड़ता है। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं ड्रायल वोल्ट को रिमूव करूंगा, ठीक है। इसको मैंने इस मॉन बोर्ड से बाहर निकाला, ठीक। अब मैं इसको बाहर निकाल लिया, अब निकालने के बाद देखता हूँ क्या फॉल्ट है क्या नहीं। अब देखो बेटा आप, अब एक काम करूँगा मैं दोबारा से चेकिंग करूँगा वैसे ही, तो मैं सप्लाई दे दिया है, अब बेस पिन में देखता हूँ क्या होता है। बेस पिन में कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बन रहा और एमीटर में कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। अब बेस पिन में कुछ नहीं बन रहा लेकिन मैं इसके बेस पिन में देखता हूँ, देखिए बेस पिन में ये आ रहा करीब 12 वोल्ट, ठीक है। इसकी बेस पिन में कितना आ रहा, 12 वोल्ट आ रहा ना, 12 वोल्ट। लेकिन ये फॉल्ट किसी भी ऐप में ऐसे मिलता है तो ये फॉल्ट ट्रांजिस्टर का होता है, ठीक है। इसमें से कोई एक ट्रांजिस्टर मिस्टेक है, मिस्टेक है ना। तो एक काम करूंगा मैं चेक करूंगा इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर मिस्टेक है, पहचानूंगा ना, दिखता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, जब कभी चेक करें तो सप्लाई तो मेरा लगा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करूंगा, सप्लाई चलता हुआ एम्पलीफायर में एक एक रजिस्टर ओपन करूंगा, जो लोड रजिस्टर है, बाट रजिस्टर है 10 वाट का, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, एक एक पिन आपको बहुत ही आसानी के साथ करना, ठीक है। ओके सभी को, ठीक है। अपन इसमें ट्रांजिस्टर पकड़ेंगे कौन सा ट्रांजिस्टर मिस्टेक है, पकड़ेंगे ना। अगर एक ट्रांजिस्टर कोई मिस्टेक होगा या दो ट्रांजिस्टर मिस्टेक होंगे तो ये एम्पलीफायर आपका बेस पिन में सप्लाई दिखाएगा और एमीटर में दिखाएगा, क्योंकि अगर बेस में सप्लाई दिखता है तो आपका एमीटर तो ऑटोमेटिक निकाल देगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये मल्टीमीटर, अपना यहाँ पर बेस पिन में कोई सप्लाई नहीं सो रहा, नहीं हो रहा ना। अब मल्टीमीटर पर ने देखा यहाँ पर बेस पिन में सप्लाई शो नहीं हो रहा, अब मैं चेक करूँगा बारीक बारीक से, ठीक है 1 2 3। अब मैं इस बेस पिन में चेक करूंगा, इस बेस पिन में कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है, इस बेस पिन में कोई सप्लाई नहीं है, इस बेस पिन में कोई सप्लाई नहीं है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। ओके इसमें कोई नहीं है,
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है 16 वोल्टेज नेगेटिव, ठीक है। अब यही 16 वोल्टेज जो इसको आ रहा पास नहीं, ठीक है। अगर किसी भी मोनोबोर्ड में एक केस मिलता है, याद रख लो आप, ठीक है, अगर किसी भी मोनोबोर्ड में ऐसा फॉल्ट मिलता है, ठीक, देखिएगा, किसी भी मोनोबोर्ड में ऐसा फॉल्ट मिलता है, बेस में सप्लाई आता है तो एमिटर से वही सप्लाई निकलेगा, ठीक है, निकल रहा ना 26, क्योंकि इसको सिग्नल ट्रांजिस्टर वर्किंग करवा ऑपरेट हो रहा है ना, तो ये ट्रांजिस्टर अपना हाफ मिस्टेक है, हाफ मिस्टेक मतलब इसका संधि आपस में मिल चुका है, मिस्टेक हो चुका है। अब ये ट्रांजिस्टर मिस्टेक है और ये तीनों पिनों में सप्लाई बता रहा है लेकिन कलेक्टर में अपना 7, अब 50 ही वोल्टेज बता रहा लेकिन अपना एमीटर पिन और बेस पिन में तब तक सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक आपका ड्रायल बोर्ड वर्किंग नहीं करेगा। इसी वजह से आपके दोनों ड्रायल बोर्ड मिस्टेक हो चुके हैं, बार बार उड़ रहे हैं, बार बार उड़ रहे हैं, ठीक है। अगर ड्रायल बोर्ड बार बार उड़ता है तो आपको देखना है, कर लोगे पहचान लोगे ना, इसलिए उड़ गया। तो अपन को इसको देखना है, इस ट्रांजिस्टर को चेंज करना है, कभी भी देखें ड्राइवर बोर्ड डालने से पहले आपको इस टाइप में चेक करना है कि बेसमेंट में जब तक सप्लाई नहीं है तब तक लगा सकते हैं, सप्लाई है तो नहीं लगाएंगे, ठीक, ओके। बेसमेंट में सप्लाई है तो ड्राइवर बोर्ड का लगाने का मस्तक कोई नहीं है, ठीक है, ओके, कर लोगे, ठीक है। एक नॉर्मल फॉल्ट है, एम्पलीफायर में नॉर्मल फॉल्ट मिलता रहता है, क्योंकि आपके पास जब तक ये बेसिक दमदार नहीं है तब तक कोई भी आप ड्रायल बोर्ड सफल नहीं कर पाओ, क्योंकि जो बेस में एंड एमिटर होती है, अगर बेस में सप्लाई आ गया है तो आपका जो 15032 एंड 15033 ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर में दिक्कत आएगी, आपका ड्रायल बोर्ड मिस्टेक हो सकता है, जिस वजह से ये दोनों ड्रायल बोर्ड मिस्टेक हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई भी ड्रायल बोर्ड इंस्टॉल करते हैं किसी भी एम्पलीफायर में, ए हो या बी हो या क्यों ना हो, तो अपन को जानना है, तो अपनी पेजियों को ड्रॉप करता है।